नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसी क्लब में। यह है पाइथन सिस्टम का पार्ट 4 वीडियो। मैंने पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताया है, तो प्लीज़ उसे देखिए। और आज हम लोग देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए @SSCClubOfficial। फेसबुक पे आप ये सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पे भी सर्च कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। हमारा जो पेज है, जो प्रोफाइल है आपका, वो यहाँ वहाँ पे दिख जाएगा। तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और बहुत सारे जो नोटिफिकेशन मैं वीडियो में नहीं दे पाता हूँ तो वो आप तुरंत पा सकते हैं। अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो SSCClubOfficial@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, इसमें आप बहुत सारे नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो अपने ब्राउज़र में t.me/SSCClub लिखें और डायरेक्टली आप वहां चले जाएंगे अगर आपके पास टेलीग्राम है तो। टेलीग्राम अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो जल्दी इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बना लें और t.me/SSCClub लिखेंगे तो डायरेक्टली आप हमारे चैनल के जो ग्रुप है बना हुआ वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से सारे नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। अगर YouTube पे हमारे चैनल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो youtube.com/SSCClub लिखें, डायरेक्टली हमारे SSCClub के जो चैनल है YouTube पे वो आप डायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, आपको कोई भी किसी चीज़ से प्रॉब्लम होता है तो कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे पहले मैंने जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से समझना है। अगर पाइप ए है जो 12 मिनट में भर रहा है और पाइप बी है जो 20 मिनट में भर रहा है, तो यहाँ से अगर इसकी इफिशियंसी निकालनी होगी तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। मैंने ये टाइम एंड वर्क के वीडियोज में बताया था। तो यहाँ पे अगर इफिशियंसी निकालना है तो यहाँ पे से अगर ए रेशियो बी का इफिशियंसी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/12 / 1/20। इसे आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी रेशियो आएगा वो क्या होगा, ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बताना। और यहाँ पे जो 12 और 20 का जो एलसीएम होगा वो टोटल क्या होगा, मैक्सिमम वर्क जो दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसे रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का क्वेश्चन अल्टरनेट पे बेस्ड है, मतलब कि पहले ए काम करेगा एक मिनट के लिए, फिर बी काम करेगा एक मिनट के लिए, अगर सी है तो एक मिनट के लिए ए काम करेगा, फिर से ए बी सी, इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो ध्यान से इस कंसेप्ट को देखिएगा और सीखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटली देन हाउ मच टाइम इट टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। दो पाइप है ए और बी, 20 मिनट और 30 मिनट फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटली वर्क हो रहा है, मतलब कि ए ने एक मिनट किया काम मतलब फिल किया, बी ने फिर से एक मिनट काम किया मतलब फिल किया, फिर ए ने ए को खोला गया एक मिनट के लिए, फिर बी को खोला गया एक मिनट के लिए। तो इस तरह ये जा रहा है जब तक कि फुल ना हो जाए, टैंक जो है फुल ना हो जाए। यहाँ से सबसे पहले हमें करना क्या है, क्वेश्चन आपने समझ लिया, सबसे पहले हमें इफिशियंसी निकालनी है। जो दो पाइप है उसे क्या निकालनी है, इफिशियंसी। और इफिशियंसी का मैंने बताया जो भी टाइम लगता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ए और बी का इफिशियंसी क्या होने वाला है, 1/20 / 1/30। तो यहाँ मैं 1/20 / 1/30, तो ये तो इफिशियंसी निकल गया। इसे और रेशियो में अगर किया जाए तो 3:2 आएगा, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। अब यहाँ से इफिशियंसी निकल गया है 3:2। अब वर्क कितना होने वाला है, तो वर्क ये जो दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये एलसीएम कितना होगा, 60। तो यहाँ से जो मैक्स वर्क कर सकते हैं वो 60 होगा और 60 ही काम करना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, ए बी, ए कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है, मतलब कि ए 3 काम कर सकता है, 2 एक मिनट के लिए खोला गया है, ये भी एक मिनट के लिए खोला गया है, फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा, ये भी 3, ये भी 2, फिर 3, 2, 3, 2, इस तरह चलता रहेगा। आप देख रहे हैं ये दो का ग्रुप बन रहा है, 3, 2, 3, 2, 3, 2 का ग्रुप बन रहा है। 3, 2 का जो ग्रुप बन रहा है कितने का बन रहा है, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का, हर एक 2 मिनट पे ये दो ग्रुप काम कर रहे हैं, 1 मिनट 3, 1 मिनट 2, 1 मिनट 3, 1 मिनट 2, मतलब कि ये जो 5 यूनिट वर्क हो रहा है, कितना यूनिट, कितना देर में वर्क हो रहा है, 2 मिनट। तो इतना आपने समझ लिया। अब करना क्या है, आप यहाँ पर कैपेसिटी लिखिए और यहाँ पर टाइम लिखिए। कैपेसिटी में कितना का ग्रुप बन रहा है, 3 + 2, क्योंकि 5 5 5 का ही ग्रुप बन रहा है,
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। और ये जो ग्रुप बन रहा है कितने मिनट के लिए बन रहा है, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बन रहा है। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटी लिख दिया, यहाँ पे टाइम लिख दिया 5 और 2, 5 वर्क हो रहा है 2 मिनट में, ये जो 5 यूनिट वर्क हो रहा है 2 मिनट में। तो ये 5 5 का कितना ग्रुप जाएगा, तो मैक्सिमम वर्क तो 60 करना है, तो हमारा यह वर्क कितना है 60। तो यहाँ 60 से क्या करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करें 5 में, या 60 आ जाए या 60 से कम आए। तो आप देख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 12। ये 12 है क्या, ये 5 जो है 12 बार गया है तब जाके एक वर्क कितना हो गया, कंप्लीट हो गया, जो 12 बार ग्रुप बना है 5 का। तो इसी तरह 2 का भी, जो 2 मिनट का जो ग्रुप बन रहा था कितना बार बना, 12 बार। तो यहाँ से यहाँ पे आंसर कितना आया, 24 मिनट। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि कंप्लीट कब होगा, मतलब टैंक जो है फुल कब होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 60 वर्क तो हो चुका है, और कितने मिनट में हुआ, 24 मिनट में। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे इसे बनाया है। पहले इफिशियंसी निकाला, उसके बाद वर्क निकाला, वर्क निकालने के बाद आप यहाँ उसके बाद ध्यान देना है कि ग्रुप जो बन रहा है वो कितने का ग्रुप बन रहा है और कितने देर का ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे 3 मिनट का भी ग्रुप बन सकता है, 4 मिनट का भी ग्रुप बन सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये 2 मिनट का ग्रुप बन रहा था 5 यूनिट वर्क के लिए, 5 5 इस तरह बढ़ता गया इस तरह। उसके बाद वर्क में देखा 12 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, और 12 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो यहाँ 24 मिनट आ गया। तो आंसर हमारा क्या होगा, 24 मिनट। और भी क्लियर करने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, तो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग 3 पाइप्स से डील करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी 20 30 60 मिनट में भर सकते हैं अलग अलग। ऑल पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम ए, देन हाउ मच टाइम इट टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीट। तीनों को एक एक मिनट के लिए खोला जा रहा है, और सबसे पहले शुरुआत ए से किया गया है। तो मैं फिर से इफिशियंसी निकालने वाला हूँ, यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का। तो यहाँ से क्या होगा, 1/20, 1/30, 1/60। तो यहाँ से 1/30 और यहाँ पे 1/60। इसे अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे से कैसे सॉल्व होता है, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे 60 एलसीएम हो जाएगा, और 23 जा 3 32 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3:2:1। इफिशियंसी का रेशियो निकालने के बाद मैंने क्या बताया था आपको, ये इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमारा वर्क कहलाएगा, और एलसीएम क्या है, यहाँ से आ जाएगा 60, फिर से 60 आने वाला है। अब उसके बाद मैंने बताया कि ग्रुप आपको चेक करना है कि ग्रुप क्या बन रहा है। तो ग्रुप क्या बन रहा है, ए पहले काम करेगा, बी काम करेगा, सी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, बी काम करेगा, सी काम करेगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। ए कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है, बी 2 1, फिर 3 2 1, ये आप अपने मन में ही कर सकते हैं। उसके बाद ये कितना, 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, 3 2 6 3, ये जो 6 यूनिट वर्क हो रहा है इसका ग्रुप बन रहा है कितने देर के लिए, 3 मिनट के लिए। आप ध्यान से देख रहे होंगे 3+2+1, यहाँ पे 3 2 1, यहाँ पे 3 2 1, इस तरह बढ़ता जाएगा। और ये 1 1 मिनट के लिए है, तो 3 मिनट का। तो मैं यहाँ पे कैपेसिटी लिख रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ। कैपेसिटी कितना है, 3 2 6 6 यूनिट वर्क हो रहा है कितने देर के लिए, 3 मिनट के लिए। तो हर एक 3 3 मिनट पे 6 6 यूनिट वर्क हो रहा है, तो कितना तक हो सकता है। तो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करने का 60 लाने के लिए, तो यहाँ से 10 मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से 60 काम कंप्लीट हो जाएगा कितने देर में, 30 मिनट। तो देखा आपने कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। आपको बस इसे आपको समझना है कि जो जो ग्रुप बन रहा है वो कैसे बन रहा है। इफिशियंसी निकाला, वर्क निकाला, ग्रुप चेक किया, बस यहाँ से ये सॉल्व हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है यहाँ थोड़ा अलग तरीके से ग्रुप बनेगा। यहाँ पे 3 पाइप हैं, फिर से 20 30 60 मिनट में काम कर रहे हैं, मतलब फिल कर रहे हैं। पाइप ए को ओपन किया गया है, और बी और सी को अल्टरनेटली काम पे लगाया गया है। मतलब कि ए के साथ बी काम कर रहा है, फिर दूसरे मिनट में ए के साथ सी काम कर रहा है, फिर तीसरे मिनट में ए के साथ बी काम करेगा, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। काम कैसे हो रहा है वो समझिए पहले। यहाँ पे ए और बी साथ में काम करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर ए और सी फिर से 1 मिनट के लिए साथ में काम करेंगे, फिर ए और बी साथ में काम 1 मिनट के लिए, फिर ए और सी 1 मिनट के लिए, ये इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। ए लगातार काम कर रहा है, आप देख रहे होंगे ए लगातार काम कर रहा है, लेकिन बी और सी क्या है, अल्टरनेटली वर्क कर रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले इफिशियंसी मैंने फिर से निकाल दूंगा। तो यहाँ 20 30 और 60 जो पहले बताया, इफिशियंसी फिर से वही आने वाली है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 2 3:2:1।
पिछले क्वेश्चन में सेम था, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। और वर्क वहाँ से कितना निकला था 60, और यहाँ भी क्या होने वाला है 60, ठीक है। अब समझना क्या है, ध्यान से समझिएगा, ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो ए और बी का इफिशियंसी कितना है दोनों मिलाकर 5, मतलब कि ये जो काम हो रहा है 5 काम हो रहा है 1 मिनट में। फिर ए सी का, ए सी ये 3 और 1 4, आप देख रहे होंगे ये ए का है, ये क्या है सी का, ए और सी कितना है 4, तो यहाँ से 4 यूनिट वर्क हो रहा है फिर से 1 मिनट का, फिर 5 बनेगा फिर 4 बनेगा फिर 5 बनेगा फिर 4 मिनट बनेगा 1-1 मिनट के लिए। यहाँ का जो ग्रुप बन रहा है आप देख रहे होंगे ये ग्रुप बन रहा है कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। देख रहे होंगे आप ए और बी साथ में काम कर रहा था इसलिए 1 मिनट में दोनों साथ काम कर रहे थे, तो 5 यूनिट वर्क कम्प्लीट होगा, और ए सी 4 मिनट यूनिट वर्क कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। मैं फिर से क्या लिख रहा हूँ, कैपेसिटी और टाइम। यहाँ से आप देख रहे होंगे 5 और 4 9 होगा, तो 9 कैपेसिटी 9 जो यूनिट वर्क हो रहा है कितने मिनट के लिए हो रहा है, 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में हर एक 2-2 मिनट में 9-9 यूनिट वर्क हो रहा है, काम करना कितना है 60। तो आप देख रहे होंगे कि 60 तो आएगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ से 60 से कम लेना है, तो कितना हो सकता है 9 6 जा, तो यहाँ से 9 6 जा कितना हो गया 54, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 6। अब यहाँ पे वर्क बचा कितना 56, 9 6 54, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 यूनिट वर्क बच गया है। अब 6 यूनिट वर्क बच गया है तो आप देख रहे होंगे 6 यूनिट वर्क करेगा कौन, 6 यूनिट वर्क करेगा कौन। तो यहाँ जो ए बी ए सी, ए बी ए सी का ग्रुप बन रहा था, तो अगर ये ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया है तो स्टार्टिंग फिर से कौन करेगा, ए बी कम करेगा। तो यहाँ से तो जो ग्रुपिंग हो सकता था 5-4 5-4 का मैंने कर लिया, उसके बाद अब बचा हुआ काम ए बी करेगा, उसके बाद ए सी करेगा, तो बचा हुआ काम ए बी करेगा, कर कितना सकता है 5, और है कितना 1। इसका मतलब कि 5 काम कर सकता है और 1 हो सकता है, तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए फिर से काम हो गया। आप फिर से समझिए ए बी कितने काम कर सकते हैं, 5 काम कर सकता है, बचा हुआ है कितना 6, तो यहाँ से जो काम है 5 तो ये कंप्लीट कर देगा 1 मिनट में, फिर से बचेगा कितना 1 काम बच जाएगा, 1 यूनिट वर्क बच जाएगा। 5 काम कर दिया, 6 में से 5 काम कर दिया ए बी, उसके बाद तो 1 मिनट के लिए फिर से ऐड हो गया। अब कौन काम करेगा ए सी, तो ए सी काम कितना कर सकता है, ए सी काम कर सकता है 4 1 मिनट में, लेकिन है ही बचा हुआ कितना 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4। आपको यहाँ ध्यान रखना है, हम लोग नीचे लिखते हैं कि जितना काम कर सकता है और ऊपर कितना देर का बाकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ कितना यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया 1 1/4 यूनिट में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 4 यूनिट वर्क कंप्लीट हो सकता है 1 मिनट में, तो 1 यूनिट वर्क कितना कंप्लीट में 1/4, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है 1/4, तो 1/4 में काम हो गया, कितना वर्क कंप्लीट हुआ 1 यूनिट। आप फिर समझिए 4 यूनिट वर्क कंप्लीट हो सकता है 1 मिनट, 1 यूनिट वर्क कितने देर में कंप्लीट होगा 1/4 टाइम में, तो मैंने यहाँ पे इसलिए 1/4 लिखा, और काम तो यहाँ पे 1 यूनिट था। यहाँ से अगर पूरा ऐड किया जाए तो कितना आने वाला है 60 आने वाला है, और यहाँ से अगर पूरा कंप्लीट किया जाए तो 12 1 13 13 होल प्लस 1/4। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि जो लास्ट में 6 यूनिट वर्क बचा था ए बी काम करेगा, फिर से ए सी काम करेगा, और ए सी को इतना काम मिला है कि जितना वो आसानी से कर सकता है, मतलब उसे कम देर में ही कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे 4 यूनिट वर्क 1 मिनट में कर सकता है दोनों मिलकर ए सी, तो 1 यूनिट वर्क कितना हो जाएगा 1/4, तो मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया। तो ये था आज का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसे अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। पैकेज डाउनलोड करके फिर से इसे रिवाइज करिए, बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।